आज की इस क्लास में आप फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज इमेजेस कैसे तैयार की जाती है सीखने जा रहे हैं, जो कि फोटोशॉप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज की इस क्लास में हम एक शीट पे मल्टीपल इमेजेस के पासपोर्ट साइज बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज का एक पेज बना लेना है। जो पासपोर्ट साइज होता है उसका जो विथ, जो हाइट होती है सेंटीमीटर में, वो 3.5 बाई 4.5 की होती है, और रेजोल्यूशन जो है वो हाई रखना है ताकि इमेजेस जो है अच्छे तरीके से आए। और इसी तरह आप इसको ओके कर देंगे। हमारे पास एक पासपोर्ट साइज का पेज है। इसके बाद आप एक इमेज ले लेंगे। हमने एक इमेज ले ली और हम एक A4 साइज का पेपर और ले लेंगे, US पेपर जो 8.5 बाई 11 का होता है, इसका रेजोल्यूशन भी 300 है। तो हमारे पास एक पासपोर्ट साइज का पेज है, एक इमेज है और एक A4 साइज का है, जो कि हम इस A4 साइज पे सारे के सारे इमेजेस को रखेंगे। इसको हम सबसे शुरुआत में लेके जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इमेज को क्रॉप कर लेना है, जिस भी तरह से आप क्रॉप करना चाहें। डाउन एरो की से आप जो सिलेक्शन है वो अप या डाउन कर सकते हैं। अप एरो की से ऊपर की तरफ होगा, डाउन की से नीचे की तरफ होगा। उसके बाद हमें इमेजेस पे जाना है और यहाँ पे इसको क्रॉप कर देना है। ये जो हिस्सा है ये क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद आपको इस इमेजेस को, जो पासपोर्ट साइज का पेज हमने बनाया था, उसके ऊपर रख देना है। या तो आप इसको ड्रैग करके भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कर लेंगे, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे ताकि वो जो है इमेजेस यहाँ पे आ जाए। इमेजेस का साइज बड़ा है इसलिए हम ऑल्ट दबा के रखेंगे और जो माउस का स्क्रोल बार है उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल टी कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल टी करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक हैंडल से बने आ गए। मैं एक बार ओल्ड के साथ डाउन एरो की करता हूँ ताकि ये पूरे उस पर आ जाए, और मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ से। इमेजेस का साइज बहुत बड़ा था इसलिए इमेजेस के ऊपर साफ तरीके से दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें जो है पासपोर्ट साइज का स्ट्रोक देना होता है, यानी जो इसकी जो हम जब A4 पर रखते हैं, A4 पर रखने के बाद उसके जो बीच की जो थोड़ी चौड़ाई होती है उसको हम स्ट्रोक के जरिए माप सकते हैं ताकि हमें दूसरी इमेज रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको कंट्रोल ए दबाना है, ऑल सिलेक्शन एडिट में जाना है और यहाँ पे स्ट्रोक ले लेंगे। स्ट्रोक यहाँ से 10 विथ का ले सकते हैं, 15 के ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 12 का ले लिया, लगभग 10 से ऊपर ही होता है। और यहाँ से कलर ले लेंगे, आमतौर पर वाइट या ब्लैक लेते हैं, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बाहर की तरफ जो है स्ट्रोक आ गया। अब आप इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आप A4 पेज पर आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा देंगे। जैसे आप कंट्रोल वी दबा देंगे तो यहाँ पे वो इमेजेस जो है आ जाएगी। आप ओल्ट के साथ स्क्रोल बार को ऊपर की तरफ करेंगे तो बड़ा होगा, और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं माउस के जरिए या फिर कर्सर पैड के जरिए। तो हमने यहाँ पर रख ली। अब आप इसको कॉपी करनी है, या तो आप कंट्रोल जे से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल जे दबाया तो यहाँ पे देखेंगे आप एक और कॉपी हो गई, और आप इसको उठा करके यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप इसका शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है शॉर्टकट की का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल और ओल्ट दबाना होगा, दबा कर रखना है और आपको क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग करना है। तो देखोगे आप एक कॉपी जो है वो आ जाएगी। आपको जितने भी गैप पर रखना है आप राइट क्लिक कर दोगे यहाँ पे, या आप खाली क्लिक भी कर सकते हैं। जितने भी आए 5 या 6 आते हैं आप रख सकते हैं, वो आपके गैप के ऊपर निर्भर करता है। आप स्पेस बार दबाओगे तो हैंड आ जाएगा, हैंड से आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे 5 इमेजेस बना लिए। अब आप चाहें तो जो भी 6 इमेजेस, सॉरी,
आप ये जो इमेजेस हैं उनको एक कर सकते हो, शिफ्ट के साथ आप सबको सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे इनको मर्ज करने के लिए कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज का मतलब यह है कि आप एक साथ इनके ऊपर काम होगा। अगर आप हम चाहें तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ, अगर हम शिफ्ट के कंट्रोल ऑल्ट के साथ ड्रैग करके नीचे की तरफ करेंगे तो वो डबल होते चले जाएंगे। ऐसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ जो है डबल होते चले जाएंगे, नीचे की तरफ ये आते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल पासपोर्ट साइज बना सकते हैं एक के। लेकिन हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के हो, फिर यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति हो, फिर यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के हो। तो उसके लिए आपको बार बार जो है इसको सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको दूसरा इमेजेस चाहिए। हमने एक इमेजेस होल्ड ले ली, वापस इसको ऐसे ही क्रॉप करना है। क्रॉप करने बाद इमेज में हमने इसका रेजुलेशन नहीं दिया था, इसलिए थोड़ा सा उसके कलर के ऊपर इफेक्ट पड़ गया था। आप इमेज साइज पे जाएंगे तो यहाँ पे रेजुलेशन जो है यहाँ पे 300 दे देंगे, ताकि इमेजेस जो है और अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे। कंट्रोल ए दबाएंगे, कॉपी करेंगे वापस यहाँ पे, इसको हमने कर्सर पैड इसे पिक टूल से क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिलीट कर देंगे ताकि जो इमेज है वो डिलीट हो जाए, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे जो हमने ये वाली कॉपी की है। वापस होल्ड के साथ जूम आउट करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, बहुत बड़ा साइज है इमेज का। ओके कर देंगे। वापस कंट्रोल ए दबाएंगे, एडिट में जाएंगे और इसको फिर से हम स्ट्रोक दे देंगे। कंट्रोल ए सी यानी कॉपी करेंगे, वापस फिर ए फोर साइज पाएंगे और फिर से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रेजुलेशन थोड़ा अगर हाई होता है तो इमेज की क्वालिटी और अच्छी आती है। हालांकि हम बाद में जो है इसको थोड़ा सा कलर का इफेक्ट यहाँ पे हम डाल देंगे तो और अच्छा यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल जे कर सकते हो, फिर कंट्रोल ओल्ड दबा के ये कॉपी करते रहोगे आप यहाँ पे जितने भी गैप पे आपको रखना है। ऊपर वाले जो गैप है आपको उससे ही मिला के रखना होगा, नहीं तो जब आप प्रिंट आउट निकालने के बाद इमेज का जो कटिंग करते हैं फिर वो नीचे वाली जो है अगर आगे पीछे होगी तो वो कट जाएगी। तो आप देखेंगे हमने दो व्यक्तियों के जो है यहाँ पे फोटो रख दिए। कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया था वो जो मर्ज करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे सारी छः की छः और कंट्रोल के साथ ई करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग इमेजेस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया क्लिक, जब आप मर्ज कर लोगे तो नीचे की तरफ आप इसको लेके आ जाओगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ और ओल्ड के साथ जो है ड्रैग करते रहोगे तो आपके जो है यहाँ पे पासपोर्ट साइज तैयार हो जाएंगे। आप यहां देखोगे आपके पासपोर्ट साइज तैयार है, आप इसको अब प्रिंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप पासपोर्ट साइज बना सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों को जोड़ करके भी। तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ न्यू टॉपिक पे बात करेंगे।